नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक चिंतकों के हमारे अध्ययन के क्रम में हमारा आज का विषय है जॉन लोक। पांच चिंतकों का अध्ययन हम कर चुके हैं, आज छठे चिंतक जॉन लोक का अध्ययन हम करेंगे। जॉन लोक का जीवन काल रहा 1632 से 1704 तक। और ये इंग्लैंड की समरसेट शायर में रिंगटन नाम की एक जगह है। इंग्लैंड में रिंगटन नाम की एक जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था। रिंगटन नाम की जगह पर जॉन लोक के काल की यदि परिस्थितियां देखें तो उस समय इंग्लैंड में जो है संसद और राजा के बीच संघर्ष चल रहा था। संसद तथा राजा के बीच संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध की स्थिति थी। और इन्हीं के काल में 1688 की जो गौरवमयी क्रांति हुई थी वो भी हुई थी। संसद राजा के बीच संघर्ष चल रहा था। दूसरी बात, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का विवाद भी जो है वो जारी था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, दरअसल इंग्लैंड में राजा जो है कैथोलिक था और जनता अधिकतर प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी। तो राजा ये चाहता था कि जनता भी जो है कैथोलिक धर्म को माने, तो ये भी एक संघर्ष का बिंदु था। क्योंकि शासक के धर्म और जनता के धर्म में दोनों में एकरूपता ला दी जाए, समानता ला दी जाए, वो लगभग असंभव बात थी। तो इस प्रकार का काल था जॉन लोक का। इसके अलावा जॉन लोक को के बारे में कहें तो जॉन लोक को कुछ उपमाएं दी जाती हैं उनके विचारों के आधार पर, उनके चिंतन के आधार पर। उन्हें हम संक्षेप में देख लेते हैं, विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। जॉन लोक को सबसे पहले कहा जाता है अनुभववाद का जन्मदाता। अनुभववाद का मतलब होता है कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो जन्मजात नहीं होता, वो अनुभव से ही, हमारी ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से ही प्राप्त होता है, ना कि जन्मजात। ये बुद्धिवाद का एक विरोधी विचार है अनुभववाद। इसी प्रकार लोक को कहा जाता है उदारवाद का पिता। उदारवाद का पिता, क्योंकि लोक से ही ऐसा माना जाता है कि उदारवादी चिंतन की शुरुआत हुई है। उससे पहले के जो चिंतक थे उनमें मध्यकाल का ज्यादा प्रभाव था और उदारवादी युग लोक से ही शुरू माना जाता है। इसके अलावा लोक को कहा जाता है कि वो जो है अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता है। अधिकारों के सिद्धांत के जनक, दरअसल लोक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया था जो हम आगे देखेंगे। लोक को कहा जाता है कि वो सामान्य बुद्धि के दार्शनिक थे। फिलोसोफर ऑफ कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि के दार्शनिक। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जॉन लोक का जो चिंतन था उन्होंने ज्यादा भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी चिंतकों जैसे होब्स की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री इत्यादि का प्रयोग नहीं किया।
उनके चिंतक को सामान्य बुद्धि से भी समझा जा सकता है, या उन्होंने अपने चिंतन में सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया और अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसलिए उनको जो है फिलोसोफर ऑफ कॉमन सेंस या सामान्य बुद्धि का दार्शनिक कहा जाता है। जो लोग के बारे में ये कहा जाता है कि एक इनसे पहले चिंतक हुए थे रिचर्ड हुकर, रिचर्ड हुकर की पुस्तक थी इक्लेस्टिकल इक्लेस्टिकल पॉलिटी। इक्लेस्टिकल पॉलिटी, इनसे जॉन लोक को काफी प्रेरणा मिली। इसके विचारों की झलक जो है, चूंकि ये किताब मध्यकाल से संबंधित थी, रिचर्ड हुकर मध्यकाल के विचारक माने जाते हैं, और जो लोग ने इनसे प्रेरणा हासिल की है उनके विचारों में उदारवाद की भी झलक है, तो इन दोनों विचारों का समावेश होने के कारण वेपर ने कहा है, वेपर ने जोन लोक के बारे में एक टिप्पणी की है कि जोन लोक एक महान परंपरा के पहले प्रवक्ता। एक महा पहली महान परंपरा यानी उदारवाद के, उदारवाद का प्रथम प्रवक्ता है, उदारवाद उन्हीं से शुरू माना जाता है, और एक महान परंपरा तथा एक दूसरी महान परंपरा यानी मध्यकाल। मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता, क्योंकि जोन लोक के विचारों में दोनों ही कालों का प्रभाव था, इसलिए उन्हें कहा जाता, वेपर ने कहा कि एक महान परंपरा यानी उदारवाद के प्रथम प्रवक्ता है और एक और महान परंपरा मध्यकाल के अंतिम प्रवक्ता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जोन लोक के कुछ उपमाएं थी, कुछ विद्वानों के उनके बारे में विचार थे। अब हम देखते हैं कि अनुभववाद, ये शब्दावली हमने इस्तेमाल की है, अनुभववाद को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अनुभववाद क्या होता है। जो अनुभववाद पर आधारित जोन लोक की किताब मानी जाती है, एन एसे, कंसर्निंग ह्यूमन सोसाइटी, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन सोसाइटी। इस पुस्तक से हमें जोन लोक के अनुभववाद के विचार मिलते हैं। तो अनुभववाद दरअसल क्या होता है? अनुभववाद में ये माना जाता है कि मनुष्य का समूचा ज्ञान जो है जितना भी ज्ञान मनुष्य हासिल करता है अनुभव से और इंद्रियों से प्राप्त होता है। अनुभव का मतलब यानी इंद्रियों से, जैसा आँख नाक कान इन सब इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, उनसे ही हमें ये प्राप्त होता है। इंद्रियों से, पांच हमारी इंद्रियां हैं उनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा अनुभववादी मानते हैं।
और इसके अलावा पूरे विश्व का जो औचित्य है, पूरे विश्व के अस्तित्व का औचित्य जो है, उसकी प्रामाणिकता सिर्फ अनुभव से ही सिद्ध की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके। अनुभववादी मानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो एक खाली स्लेट के समान होता है, खाली किताब के समान होता है जन्म के समय, यानी उसका ज्ञान जन्मजात नहीं होता, ऐसा अनुभववादी मानते हैं। और उसके बाद जो जो उसका अनुभव बढ़ता जाता है तो त्यों त्यों ज्ञान बढ़ता जाता है। अनुभववादी मानते हैं कि कोई भी ज्ञान प्रागानुभविक, ये थोड़ी क्लिष्ट शब्दावली है, प्रागानुभविक नहीं है, यानी प्रागानुभविक का मतलब अनुभव से पूर्व का, अनुभव में इक प्रत्यय जुड़ा अनुभविक और अनुभविक में प्राक उपसर्ग जुड़ा तो बना प्रागानुभविक। इसका मतलब होता है कि जो चीज अनुभव से पूर्व की है वो प्रागानुभविक। तो अनुभववादी मानते हैं कि कोई भी ज्ञान प्रागानुभविक नहीं है। प्रागानुभविक के लिए जो ओरिजिनल शब्दावली लोक ने इस्तेमाल की है वो है एव प्रियोरी, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है प्रागानुभविक। इसके विपरीत एक विचार है बुद्धिवाद। बुद्धिवादी मानते हैं कि मनुष्य में जन्मजात बुद्धि होती है, जन्मजात बुद्धि होती है, और ये जो अनुभववाद के विचार है ये बकवास है। ज्ञान जो है मूलतः अभूतपूर्व है, या जैसा हमने बताया प्रागानुभविक। होता है ये अनुभववादी मानते हैं कि प्रागानुभविक नहीं होता, जबकि बुद्धिवादी मानते हैं कि ज्ञान प्रागानुभविक होता है। तो ये थे अनुभववाद क्या है उसके बारे में, और किस जॉन लोक की कौन सी रचना में उन्होंने अनुभववाद पर अपने विचार दिए हैं। तो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन सोसाइटी में जॉन लोक ने अनुभववाद के ऊपर अपने विचार दिए हैं। अनुभववाद क्या है, तो अनुभववादी मानते हैं कि समूचा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त होता है, समूचे विश्व का औचित्य सिद्ध करने का एकमात्र तरीका क्या है, अनुभव। मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय खाली स्लेट के समान होता है, और कोई भी ज्ञान अनुभव से परे नहीं होता, अनुभव से पूर्व का नहीं होता। इसके विपरीत विचारधारा है बुद्धिवाद। बुद्धिवादी मानते हैं कि जन्मजात बुद्धि होती है और हमारा जो ज्ञान है वो अनुभव से परे होता है, प्रागानुभविक होता है, ऐसा बुद्धिवादियों का मानना है। अब जो लोग की दूसरी रचना की हम बात करते हैं, उसमें उन्होंने एक जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जो लोग की, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लोक ने राजतंत्र का विरोध किया है। तो राजतंत्र का कैसे विरोध किया है वो हम देखते हैं। तो जॉन लोक के राजतंत्र का विरोध करने के विचार हम देखते हैं। राजतंत्र का विरोध, जॉन लोक की पुस्तक है टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसके पहले विचार में लोग जो है राजतंत्र का
खंडन करता है और दूसरे में अपने सिद्धांत देता है। तो खंडन कैसे करता है? दरअसल लोक से पहले एक विचारक हुए हैं फिल्मर। फिल्मर की रचना है पेट्रियार का, फिल्मर की रचना है पेट्रियार का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स। अपनी इस रचना में फिल्मर क्या कहते हैं? फिल्मर कहते हैं कि प्रजा जो है, प्रजा राजा के अधीन उसी प्रकार है जिस प्रकार पिता पुत्र के अधीन होता है। पिता पुत्र का संबंध होता है, यानी कि प्रजा पिता राजा के अधीन उसी प्रकार है जिस प्रकार पिता पुत्र के अधीन होता है। इसलिए प्रजा को जो है राजा का आज्ञा का पालन करना चाहिए, आंख मूंद करके राजा की बात को जो है प्रजा को मान लेना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं, यानी फिल्मर जो है राजा की दैवीय शक्ति का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि राजा की दैवीय शक्ति होती है और प्रजा का राजा के साथ वैसा ही संबंध होता है जैसा पिता और पुत्र का होता है। जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार प्रजा को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा फिल्मर ने कहा। क्योंकि इनके विचारों से लगता है राजतंत्र के समर्थक हैं। अब लोग इनका खंडन करते हुए फिल्मर के इस सिद्धांत को कहा जाता है प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत। प्राकृतिक अधीनता प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत या पितृसत्तात्मक राज्य का सिद्धांत, ऐसा भी इसको बोलते हैं। तो इसका खंडन करते हैं लोग। लोग खंडन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने जो है सभी व्यक्तियों को समान बनाया है। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है और सब समान संतानें हैं ईश्वर की। सब व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है, तो इसलिए पिता पुत्र जैसी कोई बात नहीं है। और इस दुनिया में केवल एक ही विधि है। खंडन करते हुए लोग कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही ईश्वरीय या प्राकृतिक विधि है। इसके हिसाब से व्यक्ति को जो है जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं। जन्मजात अधिकार हैं, यानी इनेट राइट्स हैं। जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं व्यक्ति को। अब चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समान है, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए इस व्यक्ति पर शासन का एक ही अधिकार है। व्यक्ति पर शासन करने का एक ही आधार है। एक ही क्या है आधार? एक ही आधार है कि व्यक्ति की सहमति। यानी अगर कोई व्यक्ति सहमति प्रदान करता है कि आप मुझ पर शासन कर सकते हैं, तभी वह शासित हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा पिता पुत्र के विचार के बारे में वो कहते हैं कि पुत्र जो है, पिता का व्यक्ति पर जो नियंत्रण होता है वो इसलिए होता है क्योंकि पुत्र या बच्चा जो है वो अबोध होता है। लेकिन प्रजा अबोध होती है ऐसा मानना, प्रजा अबोध नहीं होती है।
पुत्र अबोध होता है इसलिए वह आज्ञा का पालन करता है, या इसलिए उसका आज्ञा का पालन करना नैतिक या जरूरी माना जाता है। लेकिन प्रजा अबोध है और राजा सब कुछ जानता है, ऐसा मानना सर्वथा गलत है। ये लोग के विचार हैं। तो ये थे राजतंत्र का विरोध करते हुए लोक के विचार। अभी हम देखते हैं कि लोक के प्राकृतिक अधिकारों का विचार क्या है। प्राकृतिक अधिकार का विचार, जैसा कि हमने आपको बताया कि लोक को अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया सबसे पहले। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक कानून या ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक कानून का निर्माण किसने किया? तो ईश्वर ने। इसी को यदि हम ईश्वरीय कानून कहें तो इसका निर्माण किसने किया? ईश्वर ने। और मनुष्य का निर्माण भी किसने किया? मनुष्य का निर्माण भी किया ईश्वर ने। हाँ, लोक ने कहा कि प्राकृतिक कानून का विचार ईश्वर ने दिया, कानून का निर्माण ईश्वर ने किया, और ईश्वरीय कानून का निर्माण भी ईश्वर ने किया। मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया। उगने से फोन पड़े है, बोले जाने फोन है, बोले जाने से लोग कहते हैं कि प्राकृतिक कानून का निर्माण ईश्वर ने किया, ईश्वरीय कानून का निर्माण भी ईश्वर ने किया, और मनुष्य का निर्माण भी ईश्वर ने किया। तो इस प्रक्रम में ईश्वर ने क्या किया कि सभी मनुष्य को, सभी व्यक्तियों को विवेक दिया है, सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों में विवेक है ईश्वर प्रदत्त, और इस विवेक के परिणाम स्वरूप व्यक्ति ना तो अपने जीवन का विनाश करेगा और ना ही दूसरे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ना अपने जीवन का विनाश करेगा व्यक्ति, ना ही अपने जीवन का विनाश करेगा, वह ना ही दूसरे की संपत्ति या जीवन का, बुद्धि के इस विचार को लोग संज्ञा देते हैं। यही क्या है लोग के हिसाब से प्राकृतिक या ईश्वरीय कानून है। लोग के हिसाब से प्राकृतिक या ईश्वरीय कानून है।
इसके आगे लोग क्या कहते हैं कि इसी प्राकृतिक या ईश्वरीय कानून से व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, ये दरअसल नैतिक अधिकार की तरह सभी व्यक्तियों को ये प्राप्त हैं। ये ठीक उसी तरह प्राकृतिक हैं जैसे हमारी त्वचा का रंग प्राकृतिक है, ये त्वचा के रंग की तरह ही प्राकृतिक है। इस उपमा का इस्तेमाल लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि त्वचा के रंग की भांति, त्वचा के रंग की तरह प्राकृतिक है। जन्मजात हमें मिले हुए हैं। लोग इन प्राकृतिक अधिकारों के तीन प्रकार बताते हैं। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार के तीन प्रकार हैं, जीवन, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता। और तीसरा है संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट और प्रॉपर्टी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, लोग कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार लोग के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम आगे डिटेल से देखेंगे। लोग के इन्हीं अधिकारों के बारे में कुछ अन्य चिंतकों के क्या मत हैं। जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ तो उनके निर्माता थे जेफरसन, और मेडिसन। ये दोनों लोग के विचारों से काफी प्रभावित हुए। इन्होंने कहा कि जेफरसन ने कहा कि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता तथा सुख लेने का अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता व सुख का अधिकार। जेफरसन के अनुसार हम देख रहे हैं प्राकृतिक अधिकार पर अन्य विद्वानों की टिप्पणी, या लोक के प्राकृतिक अधिकार के विचार पर अन्य विद्वानों की टिप्पणी। तो जेफरसन, मेडिसन अमेरिकी संविधान निर्माताओं में दो प्रमुख नाम थे। ये संविधान निर्माण के समय, अमेरिकी संविधान निर्माण के समय भी लोक के विचार से काफी प्रभावित हुए। जेफरसन ने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख, सुख में संपत्ति के स्थान पर वो सुख, या दोनों को पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल करते हैं, और सुख शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं। इसके बाद एक अन्य विद्वान हुए टॉमस पेन। टॉमस पेन ने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। लोक के बाद प्राकृतिक अधिकारों के नाम के सिद्धांत के नाम में टॉमस पेन का नाम आता है, और इन्होंने इन्हीं विचारों पर आधारित अपनी पुस्तक लिखी, राइट्स ऑफ मैन। ये टॉमस पेन की पुस्तक का नाम है, राइट्स ऑफ मैन। इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी नहीं छीना जा सकता। जबकि बेंथम जो आते हैं, बेंथम लोक के इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। बेंथम लोक के इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। आलोचना करते हुए लोग तो बेंथम तो इतना तक कहते हैं कि लोक का जो प्राकृतिक अधिकार का विचार है, प्राकृतिक अधिकार का जो विचार है वो कुछ नहीं है, वो कोरी बकवास है। प्राकृतिक अधिकार बकवास है और बकवासों से बढ़कर बकवास है, ऐसा बेंथम कहते हैं। इसके अलावा बेंथम कहते हैं कि राज्य सरकार से पहले प्राकृतिक अधिकार की कल्पना करना, पहले राज्य सरकार आएगा, उसके
के बाद अधिकार आएंगे। पहले अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कल्पना करना अतार्किक है। राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है, ऐसा बेंथम का विचार है। बेंथम लोक की आलोचना करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों को बकवास बताते हैं, राज्य सरकार से उनकी पहले कल्पना को अतार्किक बताते हैं। इसके अलावा बेंथम लोक के आलोचकों में कई प्रमुख नाम आते हैं, जैसे एडमंड बर्क ने भी लोक के इस सिद्धांत की आलोचना की, और रूसो ने भी लोक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की। तो एडमंड बर्क, रूसो और बेंथम आलोचना करते हैं, जेफरसन, मेडिसन और टॉमस पेन इसके समर्थक हैं। ये प्राकृतिक अधिकार का विचार था। इसमें संपत्ति के अधिकार के विचार को हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि संपत्ति के बारे में, संपत्ति को लोक ने इतना महत्व क्यों दिया और तीनों अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना। लोक ने कहा कि संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि संपत्ति जो है ईश्वर की देन है, संपत्ति ईश्वर की देन है। इसके अलावा वो कहता है कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है या उसके स्वामित्व का ही भाग है। ईश्वर की देन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व या स्वामित्व का ही वह भाग है, ऐसा लोग मानते हैं। अब लोग संपत्ति में संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वामित्व का ही भाग है। संपत्ति से आशय लोग बताते हैं कि चूंकि उस समय मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, तो संपत्ति में शामिल होगा भूमि और वस्तुएं, इन्हीं को लोग जो है संपत्ति में शामिल करते हैं। संपत्ति के बारे में लोग ने एक सिद्धांत दिया जिसे मूल्य का श्रम सिद्धांत कहा जाता है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू या मूल्य का श्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत के हिसाब से लोग कहते हैं कि प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं इंसान को, व्यक्ति को पर्याप्त वस्तुएं दी हैं, और ईश्वर ने जो संपत्ति दी है, ईश्वर ने संपत्ति दी है, उसमें अगर व्यक्ति अपना श्रम जोड़ देता है, यदि व्यक्ति अपना श्रम जोड़ देता है, ईश्वर ने जो नियमतें दी हैं, इस जो संपत्ति दी है उसमें अपना श्रम जोड़ देता है, तो वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है, ऐसा लोक का मानना है। लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता और जीवन, दोनों स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, दोनों संपत्ति के बिना कुछ भी नहीं है, संपत्ति के बिना निरर्थक है। संपत्ति के बिना स्वतंत्रता भी निरर्थक है, संपत्ति के बिना जीवन भी निरर्थक है। लोग संपत्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति का दो प्रतिबंध लगाते हैं, एक तो संपत्ति का विनाश ना करें और दूसरी दूसरे कुछ लोगों के लिए भी संपत्ति छोड़ दें, ऐसा लोग कहते हैं।
यानी सब कुछ खुद ही ना हड़प ले और जो उसके पास है उसका भी विनाश ना करे, या जो उसके पास नहीं है उसका भी विनाश ना करे, ये दो प्रतिबंध वो आरोपित करते हैं। तो संपत्ति के इस विचार के कारण लोक के बारे में कहा जाता है कि लोक जो है उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारक है। लोग क्या हैं? उदारवादी और व्यक्तिवादी हैं। इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है? लोग को उदारवादी और व्यक्तिवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात, लोग स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। दूसरी बात, लोग सहिष्णुता का भी समर्थन करते हैं। यानी लोक ने पहली बार जो है एक विचार दिया था धार्मिक स्वतंत्रता का, यानी व्यक्ति अपने धर्म को मानने में स्वतंत्र है, इसलिए उसे धार्मिक स्वतंत्रता का उसने विचार दिया था। और एक पत्र भी उसने प्रकाशित किया था, ए लेटर ऑन टॉलरेशन, जिसमें उसने सहिष्णुता का समर्थन किया था और ये कहा था कि राजा का धर्म प्रजा का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय विवाद का एक बड़ा विषय था कि राजा कैथोलिक था और वो प्रजा से भी ये चाहता था कि प्रजा भी कैथोलिक हो। तो जॉन लोक ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि जो राजा का धर्म हो वह प्रजा का भी धर्म हो। तो लोक स्वतंत्रता का विचार देता है, सहिष्णुता का विचार देता है और वो कहता है कि लोगों पर शासन का एकमात्र आधार क्या है? सहमति, यानी सहमति के शासन का विचार भी वो देता है। अभी हम देखेंगे कि लोग संवैधानिक शासन सहमति के सिद्धांत की पूर्णता करते हुए और एक संवैधानिक शासन का विकल्प देता है। संवैधानिक शासन, तो ये प्रमुख कारण है कि लोग को जो है उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है, उदारवादी तथा व्यक्तिवादी माना जाता है। इस संबंध में लोक की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, जिन्हें हम मैकफर्सन मुख्य आलोचक हुए हैं। अंत में हम देखेंगे कि क्या-क्या आलोचनाएं उन्होंने की हैं। अभी लोक का एक प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने होब्स में भी पढ़ा था। तो होब्स और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या, इन दोनों में फर्क है और दोनों क्या क्या हैं? होब्स का तो हमने देख लिया, लोक का सामाजिक समझौते का विचार क्या है वो हम जानेंगे। सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते के विचार से और किस प्रकार वह संवैधानिक शासन तक पहुंचता है ये हम जानेंगे। क्या उसका क्रांति का विचार भी है वो हो भी हम मानेंगे जानेंगे। होब्स की तरह लोक भी ये मानता है कि सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? सामाजिक समझौता। इसी से क्या है? राज्य की उत्पत्ति हुई है। होब्स ने मानव को लालची माना था, दुष्ट माना था, लेकिन इसके विपरीत जॉन लोक क्या कहता है कि मानव स्वभाव जो है उसकी इच्छा होती है सुख पाना और दुख से बचे रहना, इसके लिए वह प्रयास करता है। और उसका स्वभाव क्या होता है? नेक होता है, अच्छा होता है, नेक तथा अच्छा स्वभाव उसका होता है। प्लस उसको जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के विचार में हमने देखा कि व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी उसको प्राप्त होता है। ये लोक के हिसाब से मानव स्वभाव है। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था का भी विचार दिया था। होब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में
व्यक्ति एक दूसरे को मारते रहते थे, काटते रहते थे। हिंसक और बर्बर जीवन जो था, कोई समाज नहीं था, सभ्यता नहीं थी। अब लोग भी प्राकृतिक अवस्था के बारे में अपने विचार देते हैं। लोग एक पुस्तक की रचना करते हैं, असेज ऑन दी लॉ ऑफ नेचर। इसमें उनका प्राकृतिक अवस्था का विचार दिया गया है। होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था समझाई थी, वो एक युद्ध की अवस्था, उसको हम मान सकते हैं हिंसा की अवस्था। यहां लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं होती, ये युद्ध की अवस्था से अलग है। जरूरी नहीं कि यदि कोई प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति है तो वो परस्पर संघर्षरत ही होंगे, ये युद्ध की अवस्था नहीं होती, ऐसा लोग का मानना है। दूसरे वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नहीं था, पूर्व राजनीतिक थी, यानी उस समय राज्य और सरकार नहीं थी, पूर्व राजनीतिक। लेकिन इसके साथ वो कहते हैं कि समाज उस समय भी था, और उस अवस्था को हम पूर्व सामाजिक नहीं कह सकते, यानी प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक नहीं थी, ऐसा लोग का मानना है। उस समय आपस में शांति थी और व्यक्ति सहयोग से रहते थे। प्राकृतिक नियमों से संचालन कैसे होता था? प्राकृतिक नियमों से और प्राकृतिक विधि से। प्राकृतिक विधि के बारे में हमने देखा था, प्राकृतिक विधि के विचार में हमने देखा था कि प्राकृतिक विधि क्या है। व्यक्ति में विवेक होता है, ना वो अपने जीवन का विनाश करेगा, ना ही दूसरे की संपत्ति का विनाश करेगा। यह है प्राकृतिक या विधि या ईश्वरीय कानून था। तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों या प्राकृतिक विधि से जीवन का संचालन होता था, ये लोग के हिसाब से प्राकृतिक अवस्था थी। अब लोग विधि और स्वतंत्रता में संबंध बताते हैं, कानून और स्वतंत्रता में संबंध बताते हुए कहते हैं, यहां भी उनके विचार जो है होब्स से विपरीत हैं। होब्स कहते हैं कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, जबकि लोग कहते हैं कि यदि विधि समाप्त हो गई, विधि समाप्त तो स्वतंत्रता समाप्त या निरंकुशता शुरू। विधि के समाप्त होते ही निरंकुशता आरंभ हो जाती, और निरंकुशता आरंभ हो गई तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। लोग कहते हैं कि विधि सिर्फ स्वतंत्रता की रक्षा ही नहीं करती, स्वतंत्रता को बढ़ाती है। विधि जो है स्वतंत्रता में वृद्धि करती है, रक्षा भी करती है और स्वतंत्रता में वृद्धि करती है, और इसके अभाव में हम स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा लोग का मानना था। अब लोग सामाजिक समझौते के कुछ कारण बताता है कि सामाजिक समझौता क्यों हुआ। इसके कारण यदि हम जाने तो एक स्पष्ट और मानव निर्मित प्राकृतिक विधि तो थी, लेकिन प्राकृतिक विधि स्पष्ट नहीं थी, स्पष्ट व मानव निर्मित विधि का अभाव था। मानव निर्मित विधि का अभाव था, मानव निर्मित विधि का अभाव था, यानी यहाँ वो विधायिका का समर्थन कर रहा है। इसी को हम सहमति के शासन या संवैधानिक शासन में इलेबोरेट करेंगे। दूसरी बात वो कहता है
कि इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली संस्था, विधि का क्रियान्वयन कौन करता है? विधि का क्रियान्वयन करता है कार्यपालिका, तो क्रियान्वयन की संस्था नहीं थी। यानी वो कार्यपालिका की बात कर रहा है। तीसरी बात वह कहता है, मानव निर्मित विधि नहीं थी, विधायिका का समर्थन कर रहा है, क्रियान्वयन की संस्था नहीं थी, कार्यपालिका का समर्थन कर रहा है, और विधियों की व्याख्या करने वाली संस्था, विधियों की व्याख्या करने वाली एक निश्चित संस्था नहीं थी, यानी न्यायपालिका की भी वह बात कर रहा है। तो ये स्वरूप लेगा संवैधानिक शासन का और सीमित शासन का। समझौते के कारण से ही संवैधानिक शासन का आधार मिलता है। समझौते के कारण क्या थे? कि मानव निर्मित विधि का अभाव था, क्रियान्वयन वाली संस्था का अभाव था यानी कार्यपालिका का अभाव था, और नियमों की व्याख्या करने वाली, स्पष्ट व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव था यानी न्यायपालिका का अभाव था। जो लोग ने हालांकि अपने समझौते, कितने समझौते किए ऐसा वह विचार नहीं देता है, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं एक समझौता किया, कुछ कहते हैं दो समझौते किए। अधिकतर विद्वान दो समझौतों पर सहमत हैं। तो पहला समझौता क्या था? पहले समझौते से व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज बनाया। और फिर दूसरे समझौते में नागरिक समाज ने राज्य सरकार, राज्य या सरकार का निर्माण किया। इन दो समझौतों पर अधिकतर विद्वान सहमत हैं कि लोक ने दो समझौते के विचार दिए। इसके अलावा लोक समझौते में प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करता है, वो सिर्फ केवल दंड देने का, विधि की अवहेलना पर दंड देने का अधिकार ही राजा को या राज्य या सरकार को सौंपता है। दंड देने का अधिकार ही राज्य या सरकार को देता है, इसके अलावा कोई भी अधिकार नहीं देता है। इस लोक राज्य, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी यानी समुदाय में कोई अंतर नहीं करता है। और अन्य महत्वपूर्ण बात, दंड देने का अधिकार वह सौंपता है राज्य या सरकार को, लेकिन प्राकृतिक अधिकार जो है सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति स्वतंत्रता और सॉरी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों अधिकार सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, इन्हें राज्य या सरकार को नहीं सौंपा जाता है। स्पष्ट है कि इसमें समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राजा राजतंत्र का तो समर्थन ही नहीं किया गया है। जैसा कि हमने बताया, समझौते के कारण तीन थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव था, तो इसके विकल्प के रूप में भी लोग जो है सीमित सरकार का विकल्प देते हैं। इनकी सरकार में क्या है? एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका। अपनी कार्यपालिका में ही वो जो है क्रियान्वयन वाली संस्था और विधि की व्याख्या करने वाली संस्था, यानी इन लोक की कार्यपालिका में ही आज की कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका दोनों शामिल है। लोक की कार्यपालिका में ही दोनों चीजें शामिल हैं। और तीसरा अंग वो बतलाता है, संधि निर्मात्री शक्ति। संधि निर्मात्री शक्ति, तो ये विकल्प देता है लोग सीमित सरकार का,
राज्य को सीमित करने के लिए लोक जो है कहता है कि संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। संप्रभुता शब्द की जगह वो इस्तेमाल करता है, होब्स ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया था, ये इस्तेमाल करता है ऑल सुप्रीम पावर, सीमित सरकार रखने के लिए संप्रभुता शब्द के इस्तेमाल से लोक बचता है और ऑल सुप्रीम पावर शब्द का इस्तेमाल करता है। तो ये था लोक का, सीमित सरकार का विचार। इसी सीमित सरकार के विचार को ही, जैसा हमने देखा था, सहमति के सिद्धांत की पूर्णता भी कहा जाता है। सहमति के सिद्धांत की पूर्णता, यानी कि शासन का एकमात्र आधार सहमति, और सहमति पर आधारित शासन के तीन अंग सुझाए हैं जॉन लोक ने। ये सीमित सरकार का विचार था। समझौते की विशेषताएं देखें तो पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं था, ये हम आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार केवल दंड देने का अधिकार था, अन्य अधिकार नहीं थे। और इसके बाद लोग कहते हैं कि यदि समझौता टूटता है तो सिर्फ सरकार समाप्त होगी, सिर्फ सरकार समाप्त होगी, राज्य बना रहेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा। होब्स कहते हैं कि यदि राज्य क्रांति हो गई तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा और पुनः वही सामाजिक समझौता होगा, ये सब होगा। जबकि लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि समझौता टूटा तो सिर्फ सरकार समाप्त होगी और राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, यानी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। लोक को क्रांति का विचारक भी कहा जाता है। क्रांति का विचार क्यों कहा जाता है? लोक ने सीमित सरकार का विकल्प दिया और इसके साथ साथ वो क्रांति का भी विचार देता है। लोक को क्रांति का विचारक 1688 में इंग्लैंड में हुई थी गोरुमई क्रांति। तो ऐसा माना जाता है कि लोक के विचारों से ही, टू ट्रेटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जैसे लोक के विचार थे, उन्हीं विचारों से ही क्रांति हुई थी। हालांकि टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट का पब्लिकेशन जो है वो उसके एक साल बाद 1689 में हुआ था, लेकिन एक विद्वान है पीटर लालसेट, तो वो कहते हैं कि ये रचना जो है क्रांति से पहले लिखी गई थी और इन्हीं के विचारों के आधार पर क्रांति हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो लोक ने पहली बात गोरुमई क्रांति को प्रभावित किया, या गोरुमई क्रांति के प्रेरणा स्रोत बने इंग्लैंड में। और उसके बाद वो फ्रांस की क्रांति में भी उनके विचारों का काफी योगदान रहा। फिर अमेरिकी संविधान में भी उनके विचारों का काफी योगदान रहा। हमने देखा था जेफरसन और मेडिसन काफी प्रभावित थे, तो अमेरिकी संविधान का जब निर्माण हुआ तो लोक के विचारों को काफी अहमियत मिली थी। तो इस ये तीनों क्रांतियां जो है लोक के विचारों से प्रभावित थी, इसलिए लोक को क्रांति का विचारक कहा जाता है। लोक में हमने देखा कि लोक एक सीमित और संवैधानिक शासन का विकल्प देते हैं, तीन अंग सुझाते हैं सरकार के। इसके साथ वो कहते हैं कि यदि कुछ ऐसा हो जाए, क्रांति के कारण बतलाते हैं कि किन किन कारणों में क्रांति की जा सकती है, यानी सरकार विफल हो जाए और एक व्यक्ति, राजा या कोई व्यक्ति, विधि के स्थान पर कानून की जगह पे निरंकुश शासन करने लगे,
पहला कारण बताते हैं कि कोई व्यक्ति अथवा राजा कानून की जगह पर निरंकुश शासन, मनमर्जी से शासन करने लगे तो क्रांति की जा सकती है। और राजा यदि विधायिका के विधायिका में दखल दे, यानी उसको स्वतंत्र रूप से कार्य ना करने दे, तब भी क्रांति की जा सकती है। राजा जो है चुनाव में दखल दे, चुनाव में या चुनाव के तरीके में यदि निरंकुश रूप से कानूनी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन निरंकुश रूप से यदि राजा चुनाव में दखल देता है तब क्रांति की जा सकती है। फिर कहते हैं कि राजा या विधायिका, यहाँ राजा का मतलब संवैधानिक राजतंत्र जिसमें राजा को नाममात्र की शक्तियां हासिल हैं, इस प्रकार के राजा का विचार देते हैं, ना कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन लोग नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि राजतंत्र, राजा या विधायिका, यदि प्रजा को या नागरिकों को विदेशी शक्ति के हवाले करें तब भी क्रांति की जा सकती है। और जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, राजा, प्रधानमंत्री या जो भी सर्वोच्च अधिकारी हैं, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी हैं, वो विधि की अवहेलना करें, विधि का उल्लंघन करें, उच्चतम स्तर से ही यदि विधि का उल्लंघन हो, तो इन पांच परिस्थितियों में लोग कहते हैं कि क्रांति की जा सकती है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होगा? सरकार हटेगी, क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार हटेगी, राज्य बना रहेगा, राज्य बना रहेगा। जबकि होब्स कहते हैं कि, होब्स भी सामाजिक समझौते के विचार देते हैं, वो कहते हैं कि यदि क्रांति हुई तो प्राकृतिक अवस्था में पुनः चले जाएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि होब्स के विचार में राज्य का, समाज का और सरकार का, तीनों का निर्माण एक ही समझौते से हुआ है। जबकि लोक में हमने देखा कि अधिकतर विद्वान दो समझौतों की बात करते हैं, पहले समझौते से नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ और दूसरे समझौते से राज्य या सरकार का निर्माण हुआ। तो दूसरा समझौता यदि टूटता है तो सरकार भंग होगी, सरकार हटेगी, राज्य बना रहेगा, ऐसा नागरिक समाज भी बना रहेगा। लोग जो है स्पष्ट रूप से क्रांति शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो उसकी जगह जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं स्वर्ग से प्रार्थना। अपील टू हेवन, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लोग सरकार को एक ट्रस्ट मानते हैं, ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा लोग देते हैं। तो ये थे लोग का क्रांति का विचार और राज्य का विचार। अब लोग राज्य की क्या कार्य सुझाते हैं वो यदि हम देखें, राज्य का कार्य क्या होगा? लोक के हिसाब से राज्य के सिर्फ दो काम होंगे, एक तो कानून व्यवस्था बनाए रखें, यानी पुलिस जो काम करती है, और दूसरा लोग जो काम बताते हैं वो है बाहरी शत्रुओं से रक्षा करें।
बाहरी शत्रुओं से रक्षा, यानी आर्मी। लोक राज्य के सिर्फ दो काम बताते हैं, पुलिस और आर्मी। सिर्फ रक्षा और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है। इस प्रकार के राज्य को क्या कहा जाता है? नकारात्मक राज्य, यानी जो नागरिकों को जीवन में हस्तक्षेप न करे, अधिक उस और उनकी रक्षा ही करे, विधि व्यवस्था बनाए रखे, बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर देगा, तो ऐसे राज्य को संज्ञा देते हैं नकारात्मक राज्य। एक नकारात्मक राज्य होता है, एक सकारात्मक राज्य या वेलफेयर स्टेट जिसे हम बोलते हैं। नागरिकों का अलग अलग सामाजिक सुविधाएं, पेंशन, उनको रोजगार में सहायता, राज्य के अपने उत्पादन के यंत्र होते हैं। तो नकारात्मक राज्य में ये सब नहीं होता। नकारात्मक राज्य के मूलतः दो काम होते हैं, पुलिसिंग और आर्मी वाला काम, बाहरी शत्रुओं से रक्षा, इसे कहते हैं नकारात्मक राज्य। ऐसे एक और नाम भी देते हैं, वो है पुलिस राज्य या रात्रि प्रहरी, नाइट वॉचमैन। रात्रि प्रहरी राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, ये नाम दिया जाता है। या फिर अहस्तक्षेपवादी राज्य, अहस्तक्षेपवादी कैसे? कि राज्य जो है समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखेगा एक तो, यानी उसमें कोई दखल नहीं करेगा, और दूसरा पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव होगा। यानी राजा की संपत्ति पर पुत्र का हक नहीं होगा। अहस्तक्षेपवादी राज्य का विचार यह है लोक की शासन प्रणाली, जैसा कि हमने देखा, लोक की शासन प्रणाली तो लोक में शासन प्रणाली में सीमित संवैधानिक शासन का विकल्प देते हैं, सहमति पर आधारित शासन। समराइज हम कर रहे हैं, सहमति का शासन, सीमित शासन। सरकार के तीन अंग, तीनों का अपना अपना अलग अलग काम, सीमित शासन, और राजतंत्र का विरोध। लोग राजतंत्र का विरोध करते हैं, लेकिन यहां एक बात उल्लेखनीय है कि संवैधानिक राजतंत्र का नहीं। संवैधानिक राजतंत्र जैसा कि आज के ब्रिटेन में है, उसका विरोध नहीं करते हैं वो, क्योंकि इसमें राजा को निरंकुश शक्तियां नहीं है। राजा निरंकुश नहीं है अपनी, वो संसद जैसा कहेगी वैसा ही करता है। लोक के लिए लोकतंत्र साधन है, और साध्य क्या है? उदारवाद उसका साध्य है, इसीलिए लोक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उसके विचारों में सहमति का शासन, सीमित शासन, संवैधानिक शासन, स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन का अधिकार इत्यादि बातें शामिल हैं, इसलिए उसे व्यक्तिवादी या उदारवादी विचारक कहा जाता है। अब लोक की आलोचना करते हैं, लोक के बड़े आलोचक हैं एक, वो उन्हें कहते हैं पूंजीवादी विचारक। उदारवाद का नेगेटिव जो संज्ञा दी जाती है वो कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म की बदनाम नाम है कैपिटलिज्म। पूंजीवादी विचारक की संज्ञा देते हैं, कौन देते हैं? तो मैकफर्सन, जेबी मैकफर्सन जो हुए हैं, वो लोग को कहते हैं कि लोग एक पूंजीवादी विचारक थे। मैकफर्सन की रचना थी
द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इसमें लोग क्या कहते हैं, मैकफर्सन लोग को कहते हैं स्वत्व मूलक। व्यक्तिवादी या स्वामित्व मूलक व्यक्तिवादी, लोक और होब्स दोनों को, लोक को भी और होब्स को भी, दोनों को वो स्वत्व मूलक या स्वामित्व मूलक व्यक्तिवादी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है संपत्ति का समर्थन करते हैं। और वो कहते हैं कि लोक जो है पूंजीवाद का जन्मदाता था, लोक पूंजीवाद का जन्मदाता मैकफर्सन कहते हैं लोक को। क्यों था? क्योंकि उसने सिर्फ संपत्तिशाली व्यक्तियों को अधिकार दिए हैं, संपत्तिशाली को अधिकार दिए हैं, इसलिए मैकफर्सन लोक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहते हैं। और मैकफर्सन का विरोध करते हैं जेम्स टुली, ये लोक का समर्थन करते हैं। जेम्स टुली कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग पूंजीवाद के समर्थन करते हैं, ये सिर्फ संवैधानिक शासन की बात करते हैं। अब संवैधानिक शासन में जो संपत्ति अर्जित करेगा वो ठीक है, जो नहीं करेगा वो ठीक है। संवैधानिक शासन का समर्थन करते हैं लोग, ऐसा कहना है जेम्स टुली का। जेम्स टुली लोग के समर्थक हैं, मैकफर्सन लोग के आलोचक हैं। तो ये थे जॉन लोक के विचार। जॉन लोक की में विचारों में कुछ विरोधाभास भी हमें दिखाई देता है। विरोधाभास क्या दिखाई देता है? जॉन लोक चार स्तर पर सर्वोच्च शक्तियों की बात करते हैं। जॉन लोक कहते हैं कि सरकार है, सरकार से बड़ी होगी विधायिका, सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी। दूसरी बात, सरकार से सर्वोच्च समुदाय होगा। सरकार से एक तरफ विधायिका को बड़ा बताते हैं, एक तरफ कहते हैं कि समुदाय बड़ा होगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि समुदाय का भी मूल उद्देश्य क्या है? समुदाय का मूल उद्देश्य है प्राकृतिक अधिकार की रक्षा। और प्राकृतिक अधिकारों में भी प्राकृतिक विधि। तो यहाँ काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन ये पैदा होता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्राकृतिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, या समुदाय के दंड देने की शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि विधायिका कानून बनाती है, कानून का उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा, जबकि वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। तो दंड अगर मिलता है तो ये भ्रम उत्पन्न होता है कि प्राकृतिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या दंड का समुदाय द्वारा दंड दिया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ दूसरा अर्थ ये होता है कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दो समझौते की बात भी विद्वानों ने बाद में की है। लोग कोई स्पष्टता संख्या नहीं बताते हैं कि एक समझौता हुआ या दो समझौते हुए, समझौतों की संख्या भी स्पष्ट नहीं है। बाद में विद्वानों ने दो कई एक बताते हैं, अधिकतर दो बताते हैं, लेकिन लोक के साहित्य में ये स्पष्ट नहीं है। और लोक के विचारों में उदारवाद भी झलकता है, साथ ही साथ मध्यकाल भी झलकता है। तो ये दोनों उसके विचारों में विरोधाभास आता है कि वो उदारवादी हैं या मध्यकाल के विचारक हैं, इस प्रकार का विरोधाभास उनके
रचनाओं में या उनकी विचारों में आता है। तो ये थे लोक के विचार। इनकी बुक्स हम देख लेते हैं। कुछ पुस्तकें हम देख चुके हैं, जैसे एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक उनकी पुस्तक है। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है फोर लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, फिर और भी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी में लोग जो है ईसाई धर्म का तार्किक बचाव करते हैं। और एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने देखी, जिसे क्रांति का विचार भी ऐसा माना जाता है कि इसमें था। 1689 में ये प्रकाशित हुई थी। लेकिन एक विद्वान है पीटर लास्लेट, पीटर लास्लेट कहते हैं कि टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 1688 से पहले आ चुकी थी और उन्हीं के विचारों से गौरवमयी क्रांति हुई है। यहाँ हमने लोक के सीमित संवैधानिक शासन का विचार देखा। उसमें लोग तीन अलग-अलग निकायों में सरकार को पृथक करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं लोक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जन्मदाता तो नहीं है। तो यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है लोक के बाद एक विचारक आते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने दिया था लोक का विचार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, उनका विचार सीमित संवैधानिक शासन का ही विचार है। मोंटेस्क्यू अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये विचार देते हैं, शक्ति पृथक्करण का विचार देते हैं। तो ये थे जॉन लोक के विचार। एक अगले विचारक रूसो के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।